जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स अपने नाम से जाहिर है कि ये मेटल एटम्स की बात हो रही है, मेटल्स की बात हो रही है। मेटालिक सॉलिड आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल सराउंडेड बाय फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ अ मेटालिक बॉन्ड। The electrostatic force of the attraction between the positive ion and the delocalized electron is called the metallic bond. Examples, all common metals like sodium, aluminium, magnesium, etc. कहने का मतलब ये है कि मेटालिक बॉन्ड पे हम तफसीली एक वीडियो पहले बना चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, ये एग्जाम्पल हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सोडियम की जो कि मेटल है, और ये एल्युमिनियम की जो कि मेटालिक स्टेट में है। अब होता क्या है कि मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, तो वो अपने शेल को छोड़ देते हैं, आउटरमोस्ट शेल को, जिसके नतीजे पे जो रिमेनिंग एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आइंस ऑफ द मेटल, उसको मेटालिक आइन भी कहा जाता है। और हर मेटल के पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने वैलेंस शेल को जब छोड़ते हैं तो इट मेक अ सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिसके नतीजे में उन इलेक्ट्रॉन्स को जो अपने शेल को छोड़ के एटम से निकल जाते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन जो पीछे रह जाने वाला है वो मेटालिक पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब उस मेटल के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, हर एटम ने अपना अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है तो नतीजे के तौर पर तमाम जो मेटल आयन हैं उन मेटल एटम्स की वजह से जो कन्वर्ट मेटल एटम्स जो थे जो कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के साथ इस वक्त नहीं होता, वो घूम रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को हर एक मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस अट्रैक्शन के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा पॉजिटिव मेटल आयंस की तरफ से अट्रैक्शन को फील करता है और एक बॉन्ड सा अपीयर हो जाता है, एक टेंशन सी अपीयर हो जाती है विद इन द मेटल, और मेटल के अंदर वो टेंशन दो टाइप के डिफरेंट आइंस टेंशन दो टाइप के डिफरेंट आइंस के दरमियान हो जाती है, एक पॉजिटिव आइन एक नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन क्या होगा, मेटल एटम जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन गया जिसके वैलेंस शेल के डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ने शेल छोड़ दिया, और नेगेटिव आइन कौन सा है, वो या नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो इसीलिए ये जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये जितने ज़्यादा सॉलिड होंगे उसका मतलब कि इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमें मरकरी सिंगल ऐसा मेटल नज़र आता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बिकॉज इट हैव वीकेस्ट मेटालिक बॉन्ड। और अल्कली मेटल जो फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं वो क्यों इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ द नाइफ, कि उनमें मेटालिक बॉन्ड जो है वो हार्ड नहीं होता। दोबारा हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एल्युमिनियम है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, द नेचर ऑफ दीज सॉलिड्स जो मेटालिक सॉलिड्स हैं जो असल में मेटल्स ही होते हैं, द नेचर ऑफ दीज सॉलिड्स रेंजेस फ्राम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। जैसे कभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ द नेचर ऑफ दीज सॉलिड्स की उनकी सॉफ्टनेस या उनकी हार्डनेस डिपेंड करती है उनके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल मीन दे कैन बी बीटन इन टू द शीट्स एंड फॉयल, उनसे बारीक शीट्स और फॉयल्स बनाई जा सकती हैं। और दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन दे कैन बी स्क्वीज इन टू द वायर्स, उनसे वायर्स यानी तारें बनाई जा सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल केबल में हमें कॉपर की वायर्स नज़र आती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली उनके पास मेटल्स के अंदर दे हैव द इन साइड द मेटल देर इज़ अ सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव क्विकली एंड दे कैन मेक देम मेटल एज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
They possess bright shining metallic luster and they have the high melting and boiling points and they have the moderate heat of the fusion. Metallic solids जो होते हैं इनके अंदर ये इनकी surfaces जो होती हैं वो shiny होती हैं because of the movement of the free electrons. और चूँकि metallic solids के अंदर metallic bond है तो जितना ये strong होता है उतने ही मेटालिक सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं. दे हैव द मॉडरेट हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सॉलिड को जब कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड स्टेट में या किसी सॉलिड को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि वो मेल्ट हो जाए तो दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ मेटल स्टेट इट इज़ कॉल्ड द हीट ऑफ द फ्यूजन. नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स. कोवेलेंट सॉलिड अपने नाम से जाहिर है इसमें कोवेलेंट बांड पाया जाता है. द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ द नॉन मेटल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द कोवेलेंट सॉलिड्स. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास थर्ड टाइप है कोवेलेंट सॉलिड की और कोवेलेंट सॉलिड्स अपने नाम से जाहिर हैं ये हमेशा नॉन मेटालिक एटम्स के वजह से बनते हैं और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का मतलब है कि उस कोवेलेंट सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं जो एटम्स हैं जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं वो चाहे नॉन मेटल सेम हो या नॉन मेटल डिफरेंट हों ठीक है और आपस में. सो स्टूडेंट्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ द मे बी सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स. जब ये आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड तो बनने वाले सॉलिड्स जो होंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की थर्ड टाइप कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे. एग्जाम्पल में हमारे पास डायमंड है ग्रेफाइट है सिलिकॉन कार्बाइड है SiC सिलिका एंड सिलिकॉन. डायमंड भी प्योरली कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ होता है ग्रेफाइट भी प्योरली कार्बन एटम से मिलकर बना होता है दोनों पे हम नेक्स्ट यूनिट में इंशाल्लाह बात करेंगे. सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये कार्बन और सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन होता है दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है. सिलिका एंड सिलिका प्योर सिलिकॉन प्योर फॉर्म में भी जो है वो बॉन्ड बनाता है और सिलिका जो है ये सिलिका जो है ये भी जो है नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड. क्रिस्टल्स जो है डायमंड के हम देख सकते हैं ये प्योरली कार्बन एटम से मिलके बने हुए हैं और डायमंड जो होता है उसमें हर कार्बन जो है वो सराउंडेड होता है बाय फोर अदर कार्बन एटम्स विद द हेल्प ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड और टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर बनती है यानी टेट्रा मीन फोर हेड्रली एजेस. तो ये जो डायमंड है इसके अंदर एक कार्बन मजीद फोर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस क्रिस्टल को समझा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड्स दे आर वेरी हार्ड डिपेंड करता है कि उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा पाया जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है उससे थोड़ा सा वीक डबल कोवेलेंट बॉन्ड और सबसे वीकेस्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. दे हैविंग द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट द ग्रेफाइट. चूँकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इलेक्ट्रॉन जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो दैट्स वाई वो पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सिवाय ग्रेफाइट के क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन ग्रेफाइट जो है बेसिकली कार्बन से मिलकर बना हुआ है तो हर कार्बन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ज़रूर होता है जो कि लूजली बॉन्डेड होता है और उसकी लूजली बॉन्डिंग होने की वजह से जब करंट पास होता है तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है.
इस पर डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में इंशाल्लाह बात करेंगे। दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन्स, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन्स बहुत हाई होती हैं। किसी भी मतलब अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द कोवलेंट सॉलिड जब कभी कन्वर्ट हों लिक्विड स्टेट में, तो इनको मेल्ट होने के लिए जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। इट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गई होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।